चारों पर, तो वो कुछ भी करवा लेगा आपसे, कुछ भी करवा लेगा, और फिर रोएगा कौन? आदमी रोएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए मन पर नियंत्रण जरूरी है। अगर जीवन को सुख से जीना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, तो क्या जरूरी है? विचारों पर नियंत्रण जरूरी है। नहीं तो कोई विचार कैसे विचार है? किसी ने कुछ कह दिया, हमने मान लिया। एक हाथी जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो क्या करता है? जो महावत है, हाथी का जो मालिक है, उसको खुट्टा से बांध देगा, वो छोटा सा बच्चा ताकत लगाएगा, उसको उखाड़ देगा। क्या करेगा? उसको उखाड़ देगा, फिर उसको बांध देगा, उसको भी उखाड़ देगा, फिर और मजबूत चेन में, सिक्कड़ में, जंजीर में उसे बांध देगा ताकि उखाड़े ना। फिर वो उसे जब बहुत मजबूत से बांध देगा तो नहीं उखाड़ पाएगा, और धीरे धीरे वो बंधना स्वीकार कर लेगा कि भाई मुझे तो बंध जाना है, बंधना है। फिर वो बड़ा हो जाएगा, खा पीकर मोटा ताजा बहुत बड़ा हाथी बन जाएगा, 10 फीट से ऊपर उसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, बड़े बड़े टांग, बहुत ताकतवर की बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन जिस समय उसका मालिक उसे जंजीर में बांध कर खुट्टा में बांध देगा, खुट्टा में जिस समय बांध देगा, उस समय वो चुपचाप बंध जाएगा। उसके अंदर ताकत है कि बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक दे, लेकिन अब उसे बंधने की आदत पड़ चुकी है, उसके मन ने स्वीकार कर लिया है बंधना। इसलिए बंधना आसान है, कूप मंडूक बनना आसान है। लोग कूप मंडूक बहुत जल्दी बन जाता है। किसी ने कुछ बना दिया, भयभीत कर दिया, धर्म के नाम पर डरा दिया, हम डर जाते हैं कहीं कुछ ना हो जाए। ये विचार है, ये मन की ताकत है। इसलिए अगर मन को नियंत्रण नहीं करोगे तो ये तुम्हें नियंत्रण में ले लेगा और जीवन को नरक बना देगा। मन जो है जीवन को नरक बना देगा। अगर अपने विचारों को अपने नियंत्रण में नहीं लेंगे तो ये विचार आपको नियंत्रण में ले लेंगे और जैसा ग्रहण करोगे वैसे बन जाओगे। सत्संग सुनोगे तो भक्त बन जाओगे, टीवी में बैठकर सिनेमा देखोगे तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाएगी।